नारायण 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 नारायण। मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी है और संत लोगों से भी सुना है और खुद भी थोड़ा विचार किया है, तो संतों के व्याख्यान से बात एक समझ में आई है और ग्रंथों के देखने से ठीक ऐसा ही मालूम होता है। ज्ञान मार्ग है ये आखिरी में असंगा तक पहुंचाता, असंगता जड़ का संग नहीं रहना, जड़ता के संग से रहित असंगता तक पहुंचाता है। परंतु सूक्ष्म अहंकार है वो मिटता नहीं है। ये अनेक ग्रंथों से संतों से मैंने ये निर्णय किया है, ये अनुभव में आई है बात कि वो असंगता मिटती नहीं है, वो अहंता मिटती नहीं है। अहंता का सूक्ष्म रूप बहुत दूर तक रहता है, तो वो कैसे मिटे? सज्जनों एक बात है बड़ी सीधी, सर भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उस शरण में अन्य का आश्रय न रहे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का अगर सहारा रहेगा तो वही दशा हो जाएगी। अहंकार नहीं मिटेगा, सूक्ष्म है, एक भगवान का ही हो, और एक फर्क है उसमें, वहां अहंकार का लेश रहता है, उसको मिटने की संभावना नहीं है जल्दी, और भगवान के शरण होने से वो भगवान पर निर्भर होता है तो उसकी कृपा से सुगमता से मिट जाएगा। ये एक विलक्षणता है, बड़ी सोरी बड़ी सुगम बड़ी श्रेष्ठ बात है, एक अनन्य भाव से एक भगवान की शरण बस, अन्य मेरा कोई नहीं है। गीता नहीं अनन्य चेता सतर ह्यूमान स्मृति नित्य श्याम सुलभ, उसके लिए भगवान ने सुलभ बताया है। सुलभ एक बार आया गीता में, दो बार नहीं आया है। अनन्य चिंतन तो अनन्य भाव से मेरा चिंतन, अन्य मेरा कोई नहीं है। जैसे मीरा भाई ने कह दिया कि मेरे तो केवल हर गोपाल दूसरा न कोई, तो साधक के कठिनता क्या पड़ती है, ये दूसरा कोई नहीं है इसलिए समझने में कठिनता पड़ती है। सहारा उसको दिखता है, धन का जन का विद्या का बुद्धि का वर्ण का आश्रम का मित्रों का कुटुंबियों का, भरोसा रहता है आश्रय रहता है, ये बड़ी बाधा है। इसमें केवल उनकी सेवा करो और आश्रय न रखो, और वस्तुओं से सेवा करो और आश्रय न रखो, न व्यक्तियों का आश्रय हो न वस्तुओं का आश्रय हो, केवल आश्रय भगवान का। सातक तुलसीदास, वो दूसरा जल नहीं पीता गंगा जी का भी, ऐसे एक रही रूप जल धरा भी रखे उसको, कोई इच्छा नहीं, केंद्र मात्र की इच्छा नहीं, और उसी के ऊपर निर्भर हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु बचाओ। पर स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का, सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है, इस पंचायती में न पढ़ो। भगवान है वो सर्वोपरि है, वो सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी निराकार भी है, जितना शास्त्र में वर्णन आए वैसा है और उससे भी विलक्षण है। परंतु उनके शरण होने से सो जाने दी देव सेनाई, उनको भगवान जाते हैं, उनको जो ज्ञान होता है वो अपने उद्योग से
चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति, अपने उद्योग से नहीं होता। उद्योग में अहंकार रहता ही है। कोई उद्योग करो आप, बिना अहंकार कैसे होगा? क्या मन है जी? तो वो जल्दी नहीं पहुंचेगा। अहंकार का सर्वथा अभाव उसकी शरणों में सुनता है। ये मैंने बहुत विचार किया है, ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें देखा, फिर बात बताई। ये बात हरेक की दृष्टि नहीं है, मेरे भी नहीं दृष्टि थी। मैं उन बातों को याद है, इस मार्ग में मैं लगा हूँ बहुत वर्षों से। तो मेरे पर एक संतों के वचनों से असर पड़ा है कि सूक्ष्म अहंकार है वो मिटता नहीं है। मैंने वेदांत के ग्रंथ देखे, अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ देखे हैं, उनमें भी मेरे को ये बात मिली है कि सूक्ष्म अहंकार नष्ट नहीं होता। देखा है मैंने, तटस्थ होकर देखा है, विचार कर देखा है, मिटता ही नहीं है। महाराज जी, या कोई साधन में कमी रहती है, या कोई साधन में कमजोरी? न, साधन में नहीं, वो असंगता का उपभोग है। एक असंगता है ना, बस मैं असंग हूँ, मेरा किसी संग नहीं, ब्रह्म रूप हूँ मैं असंग हूँ, मेरा कोई संग नहीं, कोई आश्रय मेरा नहीं है। ऐसे असंगता का उपभोग होता है, वो करने अहंकार के रहने में। असंगता तो बहुत चीज अच्छी है, परंतु असंगता का उपभोग है वो वास्तविक तत्व को नहीं जानने देता। उसमें वो समझता है कि मैं बस अब जीवन मुक्त हूँ और जीवन मुक्त का अब आनंद भोगना है। वही विद्युत संन्यास कहते हैं। एक विदिशा संन्यास होता है, एक विद्युत संन्यास होता है। तो विदिशा संन्यास तो वो है तत्व जानने के लिए संन्यास लिया जाए, और विद्युत संन्यास वो है जो उसको जानने के बाद अगर ये छठी सातवीं भूमिका, पांचवी छठी सातवीं भूमिका जल्दी चढ़ जाए, इसके लिए एक विद्युत संन्यास होता है। तो वो मिलना कठिन है। वैसे जानकार मनुष्य देखने में नहीं आते, गुप्त रीति से तो भगवान जाने से हम जानते नहीं, परंतु उससे अगाड़ी चलने वाले नहीं देखते। मैंने पंचदी ऐसी आदि देखा है, आगे का जीवन मुक्ति विवेक बड़ी शौक से देखा है, मैंने विशेषता से देखा जीवन मुक्ति विवेक। जी, असंगता तो और साधनों में भी तो आती है, और साधनों में असंग भोगता नहीं रहता क्या? हाँ, भोगता रहता है। जीवन मुक्ति का जो भोगता है, हाँ, जीवन मुक्ति रहता ही है, ये मिलते ज्ञान में ही रहता। नहीं, मार्ग तीन है योगास्थ हो मैं आप लोग का, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है। तो भक्ति योग में जैसा मिटता है, वैसा ज्ञान योग में, कर्म योग में स्वतंत्रता से नहीं मिटता है। ये बात है। अब पूछो आप। तो महाराज जी, जैसे यहाँ अहंकार का नाश होना बड़ा मुश्किल है। अहंकार नहीं रहता, अहम वृत्ति, अहम 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 की सत्ता रहती है। ऐसे भक्ति में भी तो महाराज जी अनन्यता होना बड़ी मुश्किल है। अनन्यता उसी कृपा से हो जाती है। भक्ति में बहुत विशेष लाभ और बहुत विशेष सहारा है भगवान का, ज्ञान में वो सहारा नहीं है। अब बोलो, तो भगवान के सहारे रहने से उसमें से सूक्ष्मता से जो दोष रहते हैं, कमी रहती है, उसका दूर करने में भगवान की ऊपर जिम्मेवारी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम, ये मां देते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम तम नाशयामि आत्म भाव सो ज्ञान देवी नाम ज्ञान दीपे के द्वारा मैं
उनके अंतर्कर्ण में रहने वाला, भीतर में विराजमान रहने वाला, मैं उसको नाश कर देता हूँ। ये भगवान ने ठेका किया। और भगवान जो कर सकते हैं, मनुष्य कोई नहीं कर सकता, जीवन मुक्त नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सहारा है, ये तो भक्ति योग में बहुत बड़ा सहारा है। तो यही तो बात मैंने कही है भक्ति योग में। अब शंका हो जाओ करो, बहुत विलक्षण बात है, बहुत ही अलौकिक बात है। छठी सातवें सातवें मिल जाता है, सातवें मिल जाता है वो, तो सुताए हो जाता है ना। अरे सुते होती तो मिल जाता है वो, मिल जाते वो चौथे में नहीं होती, पांचवी में। पांचवी है ना, उसमें अलबत होती है, सर्वथा सातवीं में होती है निवृत्त। ये वास्तविक ज्ञान है वो चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, तिस्रस्यु साधनम पुरा। और अगर जो परास्तु वो जीवन मुक्ति अवस्था से परास्त प्रकृति है, जीवन मुक्ति अवस्था की परास्तिष्ठा चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, तिस्रस्यु साधनम पुरा। और जीवन मुक्ति अवस्था से परास्तिष्ठा प्रकृति था, वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था नहीं होती है, ये अवस्था है ना, ये अहंकार है, अवस्था नहीं होती है। अब शंका खूब करो, बात निकलेगी इसमें विशेष बोलेगी। भागवत जी में तो ये आया है कि जितने भी साधन है उन साधनों से अंत में असंगता ही होती है, असंगता ही होती है ना, इतना ही कहा है। तो मनुष्य का उद्योग इतना ही है, यहाँ तक ही है उसका उद्योग। एतावान एव योगेन समग्रेण योगिने युज्यते यदि मतो यर्थो यद असंगतो कृत्स। बस, तो यहाँ तक ही मनुष्य का पूरा उद्योग है, यहाँ से आगे मनुष्य का उद्योग नहीं है, उसमें निरंतर स्थित रहना है। वो स्थित निरंतर रहे और व्यवहार सामने नहीं रहे तो मिट जाता है, मिट जाता है, ज्ञान मार्ग में ही मर जाता है। पर चतुर्थी भूमिका पंचमी षष्ठी में नहीं बढ़ता। स्वतः वित्त स्वतः त्वाज्य द्वितीय परबोधित और तृतीय नहीं बचे सदा भवती तन्मया, प्रातिष्ठ है ना जी, उनमें स्वतः वित्त से त्वाज्य, पांचवी में स्वतः वित्तान होता है। द्वितीय परबोधित है, छठी भूमिका में दूसरे के जताने से जनता बोध होता है। और सप्तमी में अंत विशिष्ट से नहीं वह सत्रह भविष्य में यहाँ ठीक हो गया। तो महाराज जी से ज्ञान योग में आपने बताया कि अहंकार सूक्ष्म अहंकार है, ये वेदांत वाली प्रक्रिया वाले अहंकार में या गीता या भागवत में जो वेदांत है ना, गीता वाले वेदांत के अधिकार जो वेदांत के ग्रंथ है उनमें गीता और भागवत में महाराज शरणागति के बिना टिकी गई थी। आप खूब प्रश्न जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग आवे वहां शरणागति आ गई थी। भागवत खूब अध्ययन कर लेना, अध्ययन करके फिर मेरे से पूछना। गीता में सर्वगुह्यतम उसी को कहते हैं, सर्वगुह्यतम ऐसे गीता में सबसे बताया ये ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा मद भक्तो वान अपेक्षक सलिंगान आस मांस त्यक्त हुआ सलिंग गर्भि गोसरा है ना। तो वो आचरण कुछ लोग बने तो मत विद्वान बुधो बालक वत खेड़े थे और गोचरिया नहीं मस्त रहे थे और बदे उन्मत्तवत विद्वान। ऐसी बात आई, ये बात आई,
ऐसा भी फिर मिट जाएगा। मानो ऐसा असंग हो करके बिछड़ है जिसे बुध हो बालक वध की रे, तो बुध है ज्ञान है परंतु बालक की तरह उसका स्वभाव होगा। और कुशली बड़ो विद्वान है परंतु जड़ बद जाने कोई कुछ जाने ही बन जा बिल्कुल कुछ समझता नहीं जड़ बद जा रही। और क्या चीजा बहुत विद्वान वो लोग बात है बहुत कीड़े और भूल जाते हैं बुधो बालक बहुत कीड़े और कुछ लोग जलवत सारी बने उन्मत्त बद विद्वान गोचर हम निगम सारी। ऐसी विधि बताई सर जल्दी विधि लेंगे बस ठीक है ठीक हो जाता है। अगर आप देखो कोई विद्वंत पड़ा हुआ नहीं मिलेगा देख रहे खोज कर मैं इस खोज में लगा हूं बहुत वर्षों से इसमें ही लगा हूं। अब इसमें कोई आपका अनुभव हो तो बताओ उसमें विचार करें। मैं अपने विचार के लिए क्षेत्र खुला छोड़ता हूं ऐसा नहीं रखता हूं कि मैं जानता हूं वो ठीक है जो गलत मानता है गलत है ऐसा नहीं मानता हूं। परंतु मेरे को विशेष ऐसा पुरुष मिला नहीं है। एक पुरुष मिले हैं परंतु वो ऐसा जो विचार करे ना ऐसा कोई वेदांत मिला नहीं देखने में नहीं आया। और ग्रंथों से ऐसा नहीं बन सकता ये मेरी विरुद्ध धारणा है इसमें संदेह नहीं है। कई बार देखा है मैंने खुद पढ़कर देखा है पढ़े वालों देखा है पढ़ने वालों को अभ्यास करने वालों को देखा है और ऐसे विचार के बाद में इन ग्रंथों का कुछ अध्ययन किया देखा। पंचदशी जैसे पढ़ता था वह समझ में नहीं पढ़ाया नहीं पर वही समझ में नहीं आई जैसी ये ज्ञान और भक्ति के आपस में विरोध जहाँ बातें पड़ती है वो मिलने से जो मंथन हुआ है अंतःकरण में हलचल मची है बिलोना करे दूध में देही में इस तरह से मची है। उस समय में मैंने पंचदशी पढ़ी है उस समय में जो पंचदशी समझ में आई पहले नहीं आई। पंचदशी भी पंचदशी की प्रक्रिया भी पंचदशी में कमी भी कहाँ कहाँ कैसी कमी है बहुत स्पष्ट। अब उसमें कमी है जब आप विचार को पढ़ने वाला कैसे पूर्ण हो जाएगा जी। मैं जानता हूं इसको विचार सागर है उसमें भी वो जो सूक्ष्म कमी है वो है। अब जी अपार स्वरूप मम हरि विष्णु महेश शंकराचार्य ने आए नहीं कहा शंकरा कैसे है सत्य भी भेदाप क्रमय नाथ तबा हम न माम की न स्पम सामुद्रो ही तरंग कुशल समुद्रो न तरंग फर्क है कि नहीं तो ये फर्क है। अब जब ये बात है अब ये अपार स्वरूप मम तो अंत कैसे मिटेगी सब लहरी विष्णु महेश है ये तो समझने के लिए अपने चेतन रूप के लिए अहंकार तो ये हाँ प्रयोग मात्र किया ये बात मैं मानता हूँ पर मान रहा हूँ ये बात पर मानने पर भी विवेचन देखता हूँ मानता हूँ ठीक तरह से पर जो उसमें ये जो आती है पास मैं शंकराचार्य क्यों नहीं आई शंकराचार्य कम जानते थे क्या है नहीं साक्षात भगवान के अवतार शंकराचार्य में नहीं है ये बात आप बताओ शंकराचार्य कोई ग्रंथ नहीं बताओ ये बात किसी ग्रंथ में बिल्कुल वही अब देवार ऐसे ही हुआ सत्य भी भेगा प्रगमे नाथ तबा हम न माम के न सम सामुद्रो ही तरंग प्रसन्न समुद्रो न तारंग और संतों से अच्छे अच्छे जानकार जिनको मैं जानकार मानू दृष्टि से सुना है मेरे सरना दृष्टि सुना कि अपने पर हाथी को चढ़ाना है इसकी अपेक्षा हाथी पर चढ़ना अच्छा है।
मेरे को एक ब्रह्मांड करके मेरा सब आश्रय है, ये हाथी के हाथी से बना है अपने पास हाथी तो हाथी न चल के माँ में तुम जाने हे राजा हो गए तो माम की न समुद्र न तारंगा ये बढ़िया चीज है, ये उत्तम चीज है। शंकराचार्य महाराज ने कहा बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छी चीज है। और बोलो कोई बात नहीं तो भाई हो गया समझ आप और अरे भक्ति की विशेषता शरणागति भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ हे नाथ होकर शरणों में मेरा डालना, ये बात गीता में भक्ति योग में लिखा है। और इसमें अठार में देखे 56 से 66 लिखा सारे संजीवनी 56 से 66 अठार में अध्याय, वो अध्ययन आप शांतिपूर्वक करो एकांत में, बहुत बातें मिलेगी, पूरी की पूरी मिल जाती है तो हमने ठेका नहीं लेते भाई, पर बहुत कुछ मिलेगा। अगर वैसे हो जाओ शरण फिर पूरी मिल जाएगा, शरण हो जाओ ठीक है। और कोई बताओ, नारायण 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 नारायण, तो सार बात बताने के मन में ये आई थी। फिर महाराज ने प्रश्न कर लिया, कहने की मेरे उम्मीद आई थी भीतर में, वो एक भाई एक भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भगवान के शरण हो जाओ, ये सरल और बढ़िया मार्ग है एकदम। हे प्रभु हे मेरे नाथ हे प्रभु, ऐसे शरण हो जाओ हृदय में निश्चिंत हो जाओ, सुनिए ऐसे हो जाओगा। अब ये वेदांत पढ़ा हुआ हो सकता नहीं कभी, क्यों नहीं हो सकता? वो कहते हैं भेदवाद मातवाद किसे है, पहले भेदवाद का खंडन किया है, और भेदवाद वाद नहीं है शरण में, बिल्कुल अभेदवाद है, अपनी सत्ता ही नहीं है, इतना अद्वैत ज्ञान है भक्ति में जिसको भेदवादी कहा। अरे इनका संग बाधक है, बात लिखिए साफ, भेदवादियों का संग है वो बाधक है। वेदांत क्यों तो बात जानते करो विचार, अथवा कह दो नहीं लिया है, भेदवादी नहीं है, भेदवादी हो जाए कुछ देर तक है, परंतु अंत में भेदवाद रहेगा नहीं, जो वेदांत का सिद्धांत है भेदवाद वो आ ही जाएगा, परंतु असंगता से जल्दी नहीं आएगा, अभिमान हो जाएगा। नारायण 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 खूब विचार करो, आप भी विचार करो, फिर पूछो। भागवत में जहां जहां असंगता की महिमा वहां प्रकरण देख पाड़ो क्या आती है, विशेषता किसकी आती है, ज्ञान की आती है भक्ति की, देखो अध्ययन करो फिर पूछो। राम, यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रावधि अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीनाकर द्वारा पर हुआ। राम।